हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं हूं मुदस्सर, फिर से एक बार आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूं द फाउंडर मेमोरियल, जो कि अल मरहूम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान की याद में बनाया गया है, जो कि उस जगह पर पहले शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान की बहुत बड़ी पेंटिंग हुआ करती थी। बाद में इन लोगों ने उस पेंटिंग को हटाकर उधर कुछ नया कंस्ट्रक्शन किया, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और उसमें एक चीज़ है जो कि आयन के क्यूब को अलग अलग शेप देकर एक तार में लटकाया गया है। और आप अगर सामने से देखेंगे तो उसमें शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान की तस्वीर दिखाई देती है। तो गाइस, मैं अभी यहाँ पर बस स्टॉप पे पहुँच चुका हूँ। आप देख रहे हैं ये बस, लेकिन हमको 22 नंबर बस से जाना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि बस कार्ड में बैलेंस है क्या नहीं। ये मशीन है, यहाँ पर हम अपना कार्ड का बैलेंस चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं अपना बैलेंस। तो हम अभी इसमें कार्ड में बैलेंस है क्या नहीं पहले चेक करते हैं। कितना बैलेंस है? 0.11। अच्छा हुआ बैलेंस चेक किए, क्योंकि हमको जाने के लिए अभी 2 दिरहम लगने वाला है और आने के लिए 2 दिरहम लगने वाला है। और यहाँ पर अभी बहुत एक्सेस नहीं कर रहा है मशीन, तो हम अभी उसमें पॉइंट डाल के इसको रिचार्ज करें। तो रिचार्ज ऐड डाले, अभी देख रहे हैं 22 नंबर बस 1 मिनट में आ जाएंगी। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं उस तरफ जो दिख रहा है वो है द फाउंडर मेमोरियल। हमको उस तरफ जाना है, तो हम यहाँ से चलते हुए उस सिग्नल पे जाएंगे, उस तरफ क्रॉस करेंगे। तो गाइस, ये आप जो देख रहे हैं एक कॉर्निस रोड का लास्ट सिग्नल है। अगर आप ए रोड से सीधा स्ट्रेट जाओगे तो एमिरेट्स पैलेस होटल है, और इधर से लेफ्ट लेंगे तो आपको मरीना मॉल मिलेगा। आप मरीना मॉल का वीडियो मेरे आई बटन में देख सकते हैं। ये है द फाउंडर्स मेमोरियल। आप देख रहे हैं जो सामने, जो मैंने आपको वीडियो के पहले बताया था ना, कि जो आयन क्यूब को अलग अलग शेप देकर एक तार में सजाया गया है, जिसमें शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान की फेस की तस्वीर दिखती है, जो यही है। और उसमें लाइट भी है, लाइट जलने के बाद बहुत ही क्लियर दिखता है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाकर देखेंगे। तो गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो शो होता है, जिसमें शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनकी लाइफ के बारे में।
अभी हम यहाँ से होते हुए अंदर की तरफ जाएंगे जहाँ पर शेख ज़ाइद बिन सुल्तान अल नहयान की फ़ोटोज़ है। तो चलो आगे चलते हैं। हेलो फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया था ना, जो आयन क्यूब को अलग अलग शेप देकर शेख ज़ाइद बिन सुल्तान अल नहयान की फ़ोटो में सजाए, वो यही क्यूब है। ऐसे ही क्यूब है, स्क्वायर में, ट्रायंगुलर में, लेकिन वो बड़े है, ऐसे ही है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और फर्स्ट टाइम मैंने इस वीडियो में व्लॉगिंग करने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले तो मैं ऐसे ही सिर्फ सिनेमैटिक व्यूज़ लेता था। फर्स्ट टाइम मैंने व्लॉगिंग करने की कोशिश किया हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।